हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सुपीरियर इंफीरियर ऑफ और हाफ इंफीरियर ओवरीज के बारे में। तो ओवरी दोस्तों किसका पार्ट होती हैं? ओवरी एक होल का पार्ट होती हैं जो कि एक फ्लावर के अंदर रहता है, वो होता है आपका गाइनोसियम। बहुत सारी जो आपकी पिस्टल रहती हैं वो आपकी बनाती हैं एक गाइनोसियम, और गाइनोसियम का एक पार्ट क्या रहता है? ओवरी। तो हमको इसमें गाइनोसियम की पोजिशन देखनी है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स या फिर जिनको आप होल्स भी कह सकते हैं, कैलिक्स यानी कि सेपल्स, कोरोला यानी कि पेटल्स, एंड्रोसियम यानी कि स्टेमेंस, और इन सब के बीच की जो रिलेटिव पोजीशन है वो हमको देखनी है कि ओवरी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, हमारा गाइनोशियम कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो दोस्तों ये तीन टाइप की होती है, सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर का मतलब होता है सुप्रीम यानी कि सबसे ऊपर। तो इसमें दोस्तों आप देखें तो थैलमस जो है उसके ऊपर आपकी ओवरी होती है, थैलमस या फिर रिसेप्टिकल के ऊपर आपकी ओवरी होती है। तो ओवरी जो है दोस्तों उसकी पोजीशन क्या है? हाईएस्ट पोजीशन है आपकी गाइनोसियम की, और ये जो बाकी जो पार्ट्स है उसके नीचे से अराइज हो रहे हैं, उसके नीचे जो दोस्तों उनकी पोजीशन है। तो ओवरी की क्या है? हाईएस्ट पोजीशन है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सुपीरियर ओवरी आपको किस किस में देखने को मिलती है। तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगी। चाइना रोज में आपको सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, और किस में देखने को मिलती है? और दोस्तों आपको देखने को मिलती है चिली में देखने को मिलती है। मैं देखने गया था कि आपको जो कैमरा है वो सही लगा है कि नहीं। तो चिली में देखने को मिलती है, सोलानियेसी फैमिली के अंदर जितने आते हैं उन्हें आपको देखने को मिलती है। और किसमें देखने को मिलती है? सोलानियेसी की एक और की बात करें तो ब्रिंजल, सोलानम नाइग्रम में भी आपको देखने को मिलती है, और मस्टर्ड के प्लांट में भी आपको देखने को मिलती है सुपीरियर ओवरी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चाइना रोज, चिली, ब्रिंजल और मस्टर्ड में आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि गाइनोसियम आपका सबसे ऊपर रहता है, बाकी पार्ट्स नीचे से अराइज होते हैं। आप यहाँ पर उस फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये सिस्टम होता है, गाइनोसियम सबसे ऊपर और नीचे जो है आपके बाकी पार्ट्स। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी के बारे में। हाफ इंफीरियर को आप हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी सुपीरियर नहीं है, सब इक्वल है। तो सारे जो है लगभग इक्वली पोजिशन पर दोस्तों अराइज होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दोनों गाइनोसियम है आपके क्या है, आपके इक्वल पोजीशन पे अराइज हो रहे हैं। आपको ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि नीट 2024 में यही डायग्राम आपका आ चुका है। तो डायग्राम्स को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, और आपको ये इंफीरियर ओवरी जो उसको आपको ध्यान रखना है, हाफ इंफीरियर ओवरी आपको ध्यान रखना है, ये आपको देखने को मिलती है प्लम में, रोज में और पीच में। चाइना रोज जो है, चाइना बहुत दोस्तों सुपीरियर कंट्री है, चाहे आप किसी भी फील्ड में बात करें। तो चाइना रोज में अगर आप चाइना को हटा देंगे तो रोज हो जाएगा सुपीरियर से इंफीरियर हो जाएगा, हाफ इंफीरियर हो जाएगा। तो प्लम, रोज, पीच आपको ध्यान रखना है, हाफ इंफीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी आपको ध्यान रखना है, चाइना रोज, ब्रिंजल और मस्टर्ड, चिल भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और अच्छा केस जो कि है इंफीरियर ओवरी के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, सुपीरियर ओवरी को दोस्तों आप हाइपोगाइनस ओवरी भी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हाइपोगाइनस ओवरी कहते हैं, और इसको जब हम फ्लोरल फैमिली में नाम लिखते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो हम जी के जब नीचे बार लगाते हैं उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी या फिर हाइपोगाइनस ओवरी, और यहाँ पर आपकी जो हाफ इंफीरियर ओवरी होती है उसको हम दोस्तों हाफ इंफीरियर ओवरी को हम दोस्तों पेरीगाइनस ओवरी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पेरीगाइनस ओवरी आपको मिलती है किस, मतलब रोज पीच में, और हाफ इंफीरियर ओवरी ही एक नाम है पेरीगाइनस ओवरी का, जैसे कि हाइपोगाइनस ओवरी का दूसरा नाम है सुपीरियर ओवरी। अब हम देखते हैं इंफीरियर ओवरी को और उसकी टेक्निकलिटीज और उसकी क्या बातें हैं उसको हम समझते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं इंफीरियर ओवरी को, और इंफीरियर ओवरी का दोस्तों एक और नाम हम जानते हैं,
इंफीरियर ओवरी का दोस्तों एक और नाम है आपका एपिगाइनस ओवरी। तो दोस्तों इंफीरियर या फिर एपिगाइनस ओवरी होती क्या है? तो दोस्तों इंफीरियर यानी कि इंफीरियर जो है ओवरी किसी से दब गई, और ये किससे दबती है यानी कि किसके नीचे से निकलती है, अदर पार्ट्स के नीचे से, क्योंकि हम जो सुपीरियर इंफीरियर देख रहे हैं वो किसके हिसाब से देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ गाइनोशियम विद रिस्पेक्ट टू अदर होल्स या फिर अदर पार्ट्स के हिसाब से, कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, जो थैलमस है, थैलमस के ऊपर ओवरी आती है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि थैलमस के ऊपर ओवरी आती है, थैलमस या फिर रिसेप्टिकल के ऊपर ओवरी आती है। लेकिन यहाँ पर जो थैलमस है दोस्तों ऊपर ग्रो करते जाता है और एनक्लोज कर लेता है ओवरी को, यानी कि थैलमस जो है वो ओवरी के ऊपर इतना चढ़ जाता है कि ओवरी जो है इसके अंदर बंद हो जाती है, और थैलमस के ऊपर जो दोस्तों आपके जो थैलमस के लगभग ऊपर वाली साइड पर आपके जो बाकी पार्ट्स हैं अराइज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है जो ओवरी है नीचे ही रह जाती है। तो यह है इंफीरियर ओवरी या फिर एपिगाइनस ओवरी। पेरिगाइनस थी हाफ इंफीरियर और हाइपोगाइनस थी आपकी सुपीरियर। तो इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं गुआवा कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। गुआवा में हमने देखी थी, अपोजिट फाइलोटैक्सी भी देखी थी गुआवा और कैलिट्रॉपिस में, तो ऐसे आपको रिलेट करते हुए चलना है एग्जाम्पल्स में भी। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर और कुकुम्बर और गुआवा आपको ध्यान रखना है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था आपकी सुपीरियर इंफीरियर और हाफ इंफीरियर ओवरी के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैलिक्स और कोरोला के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। सजेशंस आप दीजिएगा कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।